हमारे किचन में बन रहा है वो कोई आम डिश नहीं है, जिसे एक बहुत स्पेशल ओकेजन पे बनाया जाता है और खास तौर पे जब ठंड होती है। सर्दियों के मौसम में इसका टेस्ट तो हम एंजॉय करते ही हैं, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो पब्लिक डिमांड पे, यानी कि मेरे रिश्तेदारों और मेरे दोस्तों के कहने पर, मैंने आज इस डिश को चुना है बनाने के लिए, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि जैसे ये डिश आप बनाती हैं, ऐसी हमसे क्यों नहीं बनती। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आज यही डिश की रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज बनने जा रहा है सिरी और पाए। सबसे पहले इसके लिए जो हमें चीज चाहिए वो सिरी और पाए है मटन की। ये देखिए मैंने धो के इसको पाए और सिरी को अलग अलग कर लिया है। इसमें सिरी का जो मगज वाला पार्ट है बस वो मैंने लिया है और पाए हैं साथ में, क्योंकि इसको गलने में ज्यादा टाइम लग जाता है और पाए भी सिरी की बोटियों से पहले गल जाते हैं। तो इनको पहले हम डालेंगे, दो विसिल लगाएंगे, दो से तीन विसिल लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें सिरी की बोटियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुकर में इसी को डालना है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे इतना जितने में ये अच्छे से डूब जाए। लगभग एक लीटर से थोड़ा कम पानी मैंने इसमें यूज किया है। और अब बाकी के मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें एक बड़े साइज की प्याज स्लाइस की है और वो डाली है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये लगभग 150 ग्राम दही है, और ये साबुत मसालों में है 8-10 काली मिर्चें, दो छोटी इलायची, 4-5 लौंग, क्योंकि हमें इसमें बाद में पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डालना है, इसलिए अंदर हमने उसी के हिसाब से बैलेंस करके डालना है। और अब है पिसे हुए मसाले। 1.5 चम्मच मैंने लिया है ये लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच ही नमक है, और 3 से 3.5 चम्मच धनिया ले सकते हैं हम इसके अंदर, और इन सबको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने मिर्च कम ली है, क्योंकि जब हम इसका सूप पीते हैं तो गले में मिर्च ना लगे और बच्चे भी इसे आराम से पी लें, इसलिए मिर्च हम इसमें कम ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर से हम इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं। और बस अब एक मैजिक इंग्रेडिएंट्स, और वो है ये 1 चम्मच देसी घी। इसको अच्छे से हमने चलाना है। और विसल लगाना है। अब ये देखिए इसमें हमने 3 विसल लगा ली थी, और ये देखिए अभी ये पूरा तैयार नहीं है। अब हम इसमें सिरी की जो पीसेज है, सिरी की बोटियां हैं, वो डालेंगे। ये देखिए इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये पाए और सिरी लगभग दोनों एक साथ ही बनाए जाते हैं ज्यादातर, कुछ लोग सिर्फ पाए अलग से बनाते हैं, लेकिन जब सिरी बनती है तो उसके साथ पाए जरूर बनते हैं। अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब दोबारा से इसमें हम बेसन लगाएंगे। अब हमने इसमें विसल पहले 3 लगा लेनी है, उसके बाद 20 से 25 मिनट इसको हल्की गैस पे छोड़ना है, ताकि सिरी की बोटियां और जो पाए की आधी गली हुई बोटियां है वो सब एक साथ गल जाए। पाए में मसल्स होते हैं, वो थोड़ी देर में गलते हैं,
तो इसलिए इसमें जल्दी ना करें। और असल मजा आता ही तब है जब सरी और पाए की दोनों की बोटियां अच्छी तरीके से गल जाएं। उसके बाद हमने सरी की बोटियां निकाल लेनी है अलग और उसकी क्लीनिंग करनी है, यानी कि सफाई करनी है, उसमें से जो भी अनवांटेड पार्ट है उसको हमें हटा देना है। अब ये देखिए, अब हमने जैसे जब लगाने के बाद इसको खोला है तो देखिए इसमें घी ऊपर आ गया है, बोटियां गल गई हैं। लेकिन अब इसमें मेन काम यहीं शुरू होता है, वो है इसमें ये कुछ बोटियां ऐसी होती जो है ऐसी, इसमें ये जो ऊपर खाल होती है इसको हटाना होता है, क्योंकि जब हम प्लेट में सर्व करेंगे खाते वक्त इसको निकालेंगे तो वहां पर निकालना जरा मुश्किल होगा और इतनी देर में सालन ठंडा हो जाएगा। तो हमने सारी ऐसी बोटियों को अलग कर लेना है, प्लेट लेंगे और ऐसे अलग कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हम सिरी की सारी ही बोटियां इसमें निकाल लेंगे। देखिए मैंने ये पाए अलग कर लिए हैं और ये सिरी की बोटियां अलग कर ली हैं, लेकिन इसमें मैंने साथ में ये मगज वाला पार्ट भी ले लिया है। इसको अंदर से निकालेंगे और मगज में जो छोटी छोटी नसें होती हैं उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। सारा खेल सफाई का ही है, खाने में अगर सफाई ना हो तो खाना कितना भी टेस्टी हो वो अनहाइजीनिक है, इसलिए सफाई सबसे पहले है। इसमें मैं ये वाला पार्ट जो ये खाल का होता है ये हटाऊंगी और इसमें से ये मगज जो है उसको निकाल के उसको क्लीन करूंगी और ये पाए मैं वापस इसमें डाल रही हूं। अब इसकी गैस मैं ऑन कर दूंगी क्योंकि इसमें जो प्याज हमने डाली है ना वो देखिए अभी ये गल तो गई है लेकिन इसमें ये छोटी छोटी नजर आ रही है। जब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी तो ये प्याज बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगी, जिससे इसका शोरबा गाढ़ा हो जाएगा और टेस्ट और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। और ये मैंने सारी बोटियों को साफ कर लिया है, इसमें सारी जो खाल थी वो हटा दी है और अब ये दोबारा मैं इसी में कुकर में डाल रही हूँ पाए के साथ और ये कुछ देर और पकेगा। और साथ ही मैंने ये तैयार कर लिया है भेजा, यानी मगज। आपने देखा होगा कितना बड़ा साइज था स्कल का, लेकिन जो भेजा निकला है वो बस इतना ही है। ये ऊपर से जब हम गार्निशिंग करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। अब जितनी देर में हमारे कुकर में से गैस निकलेगी उतनी देर में हम तैयारी करेंगे भगार के लिए। इसमें प्याज, एक प्याज ली है मैंने बारीक कटी हुई और अब घी डलेगा इसमें, दो चम्मच भर के घी डलेगा। देसी घी बड़े कमाल की चीज है, पहले मैंने डाला था उससे वो उबाल आके बाहर पाए और सिरी का शोरबा नहीं आएगा इसलिए डाला, और अब खुशबू के लिए बघार के लिए। प्याज लाल होती जा रही है, उसको हमें गुलाबी होने तक फ्राई करना है। ओह, ये खुशबू बर्दाश्त के बाहर हो रही है, दिल कर रहा है जल्दी से खाना लग जाए और हम जल्दी से खा लें। यकीन मानिए आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, आप भी यही कहेंगे कि जल्दी से लगा दिया जाए और जल्दी से हम इसे खा लें। अब ये देखिए इस स्टेज पे ये जो प्याज लाल हुई है हमें थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये थोड़ी सी प्लेट में आने के बाद भी थोड़ी सी रेडिश और ज्यादा हो जाती है। अच्छा, हमेशा शीशे की प्लेट में ही निकालिए क्योंकि जो फाइबर की प्लेट होती है उसमें प्लास्टिक की एक परत होती है, तो इसलिए हमेशा शीशे की प्लेट का ही इस्तेमाल करें, ग्लास प्लेट। और बस इसको हमने इसमें डाल देना है और फौरन ढक देना है।
कुछ सेकंड्स के लिए इसको ढका रहना है ताकि इसकी खुशबू इसमें अच्छे तरह से रच बस जाए। इसमें जल्दीबाजी ना कीजिएगा, 2-3 मिनट छोड़ दें और फिर देखिए इसका कमाल और खुशबू। ओह माय माय, जरा देखें इसकी शक्ल, क्या मुगलाई डिश बनी है ये। बिल्कुल टिपिकल ट्रेडिशनल सिरी और पाए, जो पुरानी दिल्ली की जान है। किसी किसी होटल में ही ये मिलते हैं और इसको खाने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं। और यही डिश आज आपने सीख ली है। और इसके साथ है ये कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, आप इसे गार्निश भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग से अपनी प्लेट में भी गार्निशिंग हो सकती है। अब मुझसे कोई रिश्तेदार या मेरा कोई दोस्त ये नहीं कह सकता कि मुझे, अब मैंने सबको सिखा दिया है। अब जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और ये बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये आपको कैसा लगा, ये कैसा बना आपसे। प्लीज ट्राई करने के बाद ही मुझे बताइएगा कि कैसा बना। लेंथी प्रोसेस जरूर है लेकिन डिश इतनी टेस्टी है कि आप अपनी मेहनत सब भूल जाएंगे।